हेलो नमस्कार फ्रेंड, आज की वीडियो में देखिए आपको हम टेनिको कंपनी का एक देखिए होम थिएटर है। इस होम थिएटर के जब हम लाइन इसमें इन करते हैं इसमें सिर्फ हमिंग का आवाज़ आता है, इस तरह से इसमें आवाज़ करता है बूफर, और स्पीकर भी इसी तरह से इसका लेफ्ट राइट जो स्पीकर है उसका भी स्पीकर का आवाज़ इसी तरह से है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को प्रेस कर लें ताकि जो भी अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरह से हम इस होम थिएटर को ओपन कर लिए हैं, और ओपन करने के बाद देखिए आपको हम इसका जो आईसी है दिखा देते हैं। देखिए यही 3 आईसी है, जो ये जो फर्स्ट वाला है ये बूफर का आईसी था, और ये 2 आईसी है, एक लेफ्ट एक राइट जो स्पीकर जो बजता है उसका है। तो देखिए इसको हम स्केच पेन से ऐसे चिन्हित कर दिए हैं कि उधर से पलट कर देखने के बाद देखिए इसमें जो फर्स्ट वाला आईसी है वो सही दिख रहा है, लेकिन सेकंड वाला आईसी है जो फटा हुआ है। देखिए आपको दिखा देते हैं, देखिए यही जो आईसी बीच वाला आईसी है वो फटा हुआ है, ये साइड वाला है जो हल्का इसमें थोड़ा काला दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है कि इससे हम ये तो हमें साफ दिख रहा है कि ये आईसी ख़राब है, ये फटा हुआ है और ये काला है, तो ऐसे तो दिख रहा है यदि ये काला। तो देखिए इस तरह से इसका हम वोल्टेज चेक करके इसमें आप पकड़ सकते हैं कि इसका आईसी कौन सा ख़राब है और कौन सा सही है। तो मल्टीमीटर का एक प्रोड जो कॉमन होता है उसे हम ग्राउंड पर रख लेंगे, और ये दूसरा जो रेड वाला है इससे देखिए हम वोल्टेज को पता करेंगे कि ये जो आईसी पे आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 6 वोल्ट दिखाया, लेकिन फिर भी ये आईसी में आवाज़ नहीं है, सिर्फ हमिंग का आवाज़ आता है। फर्स्ट वाले आईसी जो कि बूफर का आईसी था, और सेकंड वाला आईसी जो स्पीकर का आईसी, देखिए आउटपुट पर 10 वोल्ट बता रहा है, जबकि बताना चाहिए 6 वोल्ट 7 वोल्ट के करीब बताना चाहिए। और देखिए तीसरा आईसी ये 5 वोल्ट बता रहा है, और देखिए इसका जो सेकेंड वाला आईसी है इसका देखिए आउटपुट पर 10 वोल्ट बताया, इसका देखिए 6 वोल्ट बता रहा है, फिर भी ये जो बूफर का आईसी है और ये सेकेंड में जो स्पीकर का आईसी है ये दोनों आईसी ख़राब है, क्योंकि इसका आउटपुट 10 वोल्ट दे रहा है स्पीकर वाला को और उसका 6 वोल्ट दे रहा है, फिर भी मतलब उसमें आवाज़ नहीं है, हमिंग है। तो देखिए इसका दोनों आईसी को हम ओपन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम आईसी को पीसीबी से बाहर कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम सोल्डिंग आयरन और तार के माध्यम से इसको हम अलग कर रहे हैं, लेकिन आप रिसोल्डर वायर से भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इस आईसी के पिन को हम साफ कर लिए हैं, और साफ करने के बाद देखिए क्या करना है कि ये दोनों जो 20-30 आईसी है इसका नंबर 20-30 है, तो दोनों ये जो हीट सिंक से स्क्रू ड्राइवर से कसा हुआ है, तो देखिए सबसे पहले इसे ढीला कर लेते हैं दोनों को, और दोनों आईसी को हम बाहर करेंगे, और यही 20-30 आईसी जिसका नंबर है 20-30 के जगह पर हम 20-30 का नंबर का आईसी हम दोनों लगाएंगे। देखिए इस तरह से क्या करना है कि इसे बाहर कर लेना है, और बाहर करने के बाद देखिए बाहर कर लिए हैं। अब क्या करना है कि देखिए ये जो दोनों आईसी की जगह है इस प्रिंट को सही से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई ड्राई सोल्ड वगैरह ना रहे और प्रिंट आपस में ना सटे। देखिए हम इसके जगह पर 20-30 के जगह पर ही 20-30 का आईसी नया हमारे पास है, और क्या करना है कि इस दोनों आईसी को हम बारी बारी से दोनों जगह पर हम इसे लगा लेंगे, और लगाने के बाद इसको फुल स्क्रू ड्राइवर से इसको फुल टाइट कर कर और दोनों को सोल्डिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों को लगा लिए हैं, अब दोनों को हम इसमें पेच लगाकर टाइट कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हीट सिंक से टाइट नहीं करेगा अच्छे से तब तक ये सही वर्क नहीं करेगा।
FM mode. And you. ना सुने दिल की मैं ना सुनूं। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर करें, और यदि चैनल पर हमारे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को प्रेस कर लें ताकि जो भी अगला नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।